नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं जम न्यूज। मुंबई के कुर्ला इलाके में आज सुबह अचानक एक पब्लिक टॉयलेट की इमारत गिर गई। कुर्ला के टॉयलेट हादसे में फंसी महिला को दमकल विभाग ने काफी मशक्कत से बाहर निकाला था। प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद महिला को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसके मौत हो गई। आपको बता दें कि 55 वर्षीय महिला का नाम द्रौपदी रावले था। आज सुबह अचानक तकरीबन 7:30 बजे एक सार्वजनिक शौचालय ठह जाने से ये हादसा हुआ। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय लोगों में इस दुर्घटना के बाद से काफी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि अभी बारिश का मौसम भी नहीं है, फिर भी ऐसे हादसे हो रहे हैं। अगर समय पर इस शौचालय की मरम्मत की जाती तो ये हादसा नहीं होता और एक महिला को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। जिस इलाके में ये हादसा हुआ है वह काफी तंग और घनी आबादी वाला इलाका माना जाता है। तो ये थे आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।